वेलकम ऑल टू आवर चैनल ई फिजिक्स फॉर यू। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे सम स्पेशल केसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे टू वेक्टर्स को सब्स्ट्रैक्शन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टू वेक्टर की सब्स्ट्रैक्शन करने से पहले हम देखेंगे टू स्केलर की सब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे टू स्केलर लिए हैं, एक है 8 और एक है 5। हम 8 से 5 सब्स्ट्रैक्ट करेंगे जिसका वैल्यू आएगा 3। इसको और एक मेथड से हम लिख पाएंगे जो होगा 8 प्लस माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 3। इससे हम एक कंक्लूशन में आ सकते हैं कि जब किसी क्वांटिटी को हम किसी क्वांटिटी से सब्स्ट्रैक्ट करेंगे, करने के बाद जो वैल्यू देगा ठीक सेम वैल्यू देगा जब उसी क्वांटिटी से हम उसी सेम नेगेटिव क्वांटिटी को जब एडिशन करते हैं। ठीक है, इसी रूल को हम वेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे टू वेक्टर लेंगे, एक होगा ए वेक्टर एंड और एक होगा बी वेक्टर। हम ए वेक्टर को बी वेक्टर से सब्स्ट्रैक्ट करेंगे जो देगा डी वेक्टर, हम एज्यूम करते हैं। इसको हम ऑल्सो बोलेंगे डिफरेंस वेक्टर। इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर। हम इसी तरीके से वेक्टर को सब्स्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सब्स्ट्रैक्ट करने के लिए कोई मेथड नहीं है। इसीलिए हम किसी वेक्टर को जब सब्स्ट्रैक्ट करेंगे उसको हम एडिशन मेथड के माध्यम से सब्स्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम जियोमेट्रिकल पिक्चर के माध्यम से देखेंगे कैसे सब्स्ट्रैक्ट किया जाता है एडिशन के माध्यम से। तो स्क्रीन में आप दो वेक्टर देख पा रहे हो जिसको हम दिखाया है ब्लू कलर में। इसको हम नाम देंगे ए वेक्टर एंड इसको हम नाम देंगे बी वेक्टर के माध्यम से। इसी डायग्राम से हम दो वेक्टर को सब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दो वेक्टर से हम ओनली दो वेक्टर की रिजल्टेंट वैल्यू पाएंगे जो होगा आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आया है जियोमेट्रिकल मेथड के माध्यम से। इधर देख पा रहे हो बी वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर ऑपोजिट वेक्टर है क्योंकि इस दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है बट इसका डिरेक्शन ऑपोजिट है। इसीलिए हम इस बी वेक्टर को हम माइनस बी वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं चलिए देखते हैं। स्क्रीन में आप ब्राउन कलर में जो वेक्टर देख पा रहे हो वो है माइनस बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर का ऑपोजिट वेक्टर है ये। अब हम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को एडिशन कर पाएंगे, वो कैसे चलिए देखते हैं। आप स्क्रीन में ऑरेंज कलर में जो वेक्टर देख रहे हो ये है ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डिफरेंस वैल्यू। ठीक है, इसको हम नाम देंगे डी वेक्टर के माध्यम से एंड इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर के माध्यम से जो होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसी तरह हम दो वेक्टर को सब्स्ट्रैक्ट
कर पाते हैं। यहाँ पे रेड कलर में जो वेक्टर दिखाया है वो है रिजल्टेंट वेक्टर आर। डी वेक्टर इक्वल्स टू ए माइनस बी वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर, ये हम पाए हैं जियोमेट्रिकल मेथड के माध्यम से। अब हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड के माध्यम से आर वेक्टर एंड डी वेक्टर का वैल्यू क्या होते हैं। मॉड ऑफ आर वेक्टर का वैल्यू होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मॉड ऑफ डी वेक्टर का वैल्यू ऑल्सो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड ऑल्सो ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर का बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। ठीक है, इसीलिए हम इस तरह लिख सकते हैं। एंड हम प्रीवियस वीडियो में एज्यूम किए थे कि रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर का बीच का जो एंगल है वो है थीटा, एंड प्रीवियस वीडियो में हम थीटा का वैल्यू कैलकुलेट किए थे जो था टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए। एंड हम एज्यूम करते हैं कि ए वेक्टर एंड डी वेक्टर का बीच का जो एंगल है वो है थीटा डैश, एंड थीटा डैश का वैल्यू होगा टेन इनवर्स ऑफ माइनस बी बाई ए। इसको हम और लिख सकते हैं माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए के माध्यम से। अब हम लिख सकते हैं इस दो इक्वेशन से थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा डस्ट के माध्यम से। तो हम दिखाया है रिजल्टेंट वैल्यू एंड डिफरेंस वैल्यू का कोरिलेशन और अंतर, ठीक है, इस तरह होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड इसी टॉपिक के बारे में कोई डाउट रह गया है अभी भी तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।